संबित जी उन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी, अब कह रहे हैं कि अब तमाम नेताओं की यही भाषा हो गई है। नेताओं की भाषाओं को अगर निकाले तो ऐसा लगता है कि एक ही कपड़े से सबको काट के निकाला गया है। सब एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, सीमाओं को लांघते हैं, एक दूसरे पर हमला करते वक्त। वो बीजेपी के नेताओं की फिर पूरे बयान सुना रहे हैं, इस पर आपका जवाब संबित जी। राहुल राहुल तो हत्या की कोशिश की अंजना, अब मैं ये तो नहीं कह सकता उस पर वो जरूर करेंगे जवाब, उस पर वो जरूर जवाब देंगे क्योंकि आपने फोटो दिखाई है संबित जी की। एक क्षण बस मैं अंजना जी मतलब गलती भी हत्या करने की कोशिश ये करेंगे और पूरा समय कोर्ट का भी यही ले लेंगे और हम ऐसे ही बैठ के सुनते रहेंगे। मैं इस स्तर पर नहीं गिरूंगा कि मैं आरोप लगाऊं कि संबित पात्रा के परिवार ने, श्रुति हरियाणी के परिवार ने, नरेंद्र मोदी के परिवार, नरेंद्र मोदी जी के या भाजपा के परिवार ने। नहीं, मैं इसको अलग श्रेणी में इस हत्या के प्रयास को देखता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया। देखिए अंजना जी कितनी बड़ी विडंबना है ना, मतलब आप सोचिए इस प्रकार का एक वाक्य, इस प्रकार की शब्दावली की अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी की हत्या कर देनी होगी। कितनी आसानी से इस शब्द को यहाँ पचा दिया गया, एकदम एक यहाँ पर प्रोफेसर जैसे अभय जी तो ऐसे प्रस्तुत हो रहे थे जैसे पता नहीं किसी कॉलेज में पढ़ाने आए हैं और हमसे कोई गलती हो गई है, हमें डांट रहे थे कि तुम लोगों ने तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैं संबित पात्रा से पूछना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे कैसे हो गया, ये आप लोगों ने ऐसे ऐसे किया और राहुल गांधी के ऊपर कितनी बड़ी शिला फेंक दी। ऐसे कौन सी शिला फेंक दी भैया राहुल गांधी के ऊपर किसने? और राहुल गांधी एकदम नृशंस हत्या, जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया कि राहुल गांधी की नृशंस हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कौन से राहुल गांधी का कौन सा नृशंस हत्या और कौन सा शिला जाके राहुल गांधी की गाड़ी को कौन सा क्षत विक्षत हो गया, उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश हुआ। तो उसका सत्य जो फेक न्यूज होता है और सत्य न्यूज का जो सामना हुआ वो आप भी जानती है, हम भी जानते हैं, उस पर डिबेट हुआ है। देखिए मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कुछ विषयों में व्हाट अबाउटरी, इफ और बट नहीं होता है। प्रधानमंत्री की हत्या कर देनी है, इससे खराब वाक्य नहीं हो सकता है और ये मुस्कुराने वाला विषय भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था, ठीक है, राजा पटेरिया जी सोनिया जी के अति निकटतम नेताओं में से एक है, गांधी परिवार के अति निकटतम व्यक्तियों में से एक है, आप पटेरिया जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप पटेरिया जी को निकालेंगे नहीं, कम से कम प्रवक्ता को भेज करके। आप लोग जो ये रावण पे जस्टिफिकेशन देते हैं, आप लोग जो यहां पर मोदी जी को नीच कहने पर जस्टिफिकेशन देते हैं, मोदी जी को औकात दिखाने पर आप लोग मधुसूदन मिस्त्री जी को बचाते हुए जो जस्टिफिकेशन देते हैं, हत्या करने पर जो जस्टिफिकेशन देते हैं, उसका नतीजा गुजरात में जनता ने दिखाया है। और केवल मैं बोल रहा हूं, चलिए ना भी दिखाया हो, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट की प्रक्रिया को छोड़ दीजिए, आप बताइए क्या किसी प्रधानमंत्री के लिए हत्या की बात करनी चाहिए क्या? और इतना ही नहीं, मैं बोलता हूं एक बार बोलो हो सकता है गलती हो गई हो, दूसरी बार बोलो हो सकता है कोइंसिडेंस हो, तीसरी बार गलती और कोइंसिडेंस नहीं होता है, साजिश कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसी कही जाती है। इन्होंने कई बार बोला हत्या के विषय में और पंजाब में जो किया, पंजाब में जिस प्रकार से पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री के गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर रुकवा लेना, जब चलते ट्रैफिक में रुकवा लेना, उनकी एक्सेसिबिलिटी दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो आ रहे थे बिल्कुल अगल बगल की एक्सेसिबिलिटी थी, और जिस प्रकार के परिस्थिति में मोदी जी को डाला वो अपने आप में चिंताजनक विषय था। इसलिए आज स्मृति ईरानी जी ने बहुत प्रासंगिक विषय उठाया कि आखिर बार बार कांग्रेस पार्टी हत्या करने की साजिश और इस प्रकार की पटकथा जहां मोदी जी की गाड़ी को रोक दी जाए ऐसे क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन तो कांग्रेस पार्टी में है। और अंजना जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपने ऐसे कहा था इसलिए हम हत्या की बात करेंगे। उन्होंने, मैं कहता हूं कहां सुपर्णखा कहा था, मुझे दिखाइए, मैं आज चैलेंज करता हूं, कहां पर मोदी जी ने रेणुका चौधरी को सुपर्णखा कहा, आप मुझे दिखाइए। मैं बैठा हूं, दोनों यहां दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आज तक के पास बहुत बड़ा आर्काइव है, आप आर्काइव में दिखाइए कहां सुपर्णखा कहा, मुझे दिखा दीजिए। अभय जी पता था कि ये सारे सवाल उठेंगे, इसलिए मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ आया और मैंने किया क्या, आज तक ने ही सारी जो रिपोर्ट की है ना, आज तक ने फैक्ट चेक भी किए, उसके साथ में आया हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पर प्राणघातक हमला जैसी नशन सत्या, मैंने नहीं, मौसमी सिंह और गोपी धांधर की रिपोर्ट देख लीजिए, गुजरात से 2017 का समय है वो, हमने डिबेट भी उस विषय पर की है।
और मैंने जो फोटो बताया है ये मुख्य आरोपी है उस घटना का, समीप बात्रा जी। तीन आरोपों की बात नहीं करता, मैंने कब कहा कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं, मैंने तो कड़ी आलोचना की, और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, उनके दीर्घायु होने की मैं कामना करता हूँ, कांग्रेस पार्टी कामना करती है। हमने तो अपने प्रधानमंत्री खोए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अपने नेता खोए हैं, हम कैसे ये बात कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर विडंबना देखिए, आज नैतिकता का पाठ कौन पढ़ा रहा है हमको, बॉब लिंकसिंग के हत्यारों को जो माला पहनाते हैं संविधान की शपथ खाने वाले, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो छोड़ देते हैं, जो हाथरस उन्नाव से लेकर लखीमपुर खीरी तक अपराधियों को सत्ता की शरण देते हैं, जो किसानों को खलिस्तानी पाकिस्तानी आतंकी बताते हैं, वो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे पहले अपने दामन की सियाही तो मिटा लो, हम पर इल्जाम लगाने वालों, मैं आज कह रहा हूं कि सबने मिलकर कोई एक दल बता दीजिए या एक कांग्रेस का नेता बता दीजिए जिसने ये कहा हो, वो स्वयं आकर टेलीविजन पर अपने बचाव में कुछ कहें, उससे हमको कोई सरोकार नहीं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नाते कि हमें शब्दों की हिंसा भी बर्दाश्त नहीं है, और इतने आप इतने छुईमुई हो गए, ये आलोचना, अरे समालोचना तो सुनिए कम से कम, इतने डरते हैं अपनी आलोचना से ये लोग कि दोहरा चरित्र जैसा शब्द, जुमला जीवी जैसा जैसा शब्द, नौटंकी जैसा शब्द तक लोकसभा में से असंसदीय करार देकर हटा देते हैं। आलोचना से इतने डरते क्यों? आप सीख लीजिए ना आलोचना और समालोचना से। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सत्ता को इंगित किया था, जैसे सत्ता का स्वभाव जो है वो रावण के अहंकार की तरह दम्भी है, सत्ता के जो दशानंद दस मुख है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, संसाधनों की लूट है, अगर इस प्रकार की समालोचना करते हैं तो उससे सत्ता सीख ले। बार बार ये कहना कि हमारा अपमान, और विडंबना देखिए, आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा राजनीतिक दल है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए, अगर इतनी गंभीर बातें कही गई है तो उसको वोट का आधार मत बनाइए। समीप पात्रा जी, बार बार आप दोहराते हैं, क्या इसमें प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं होती? उस पद की गरिमा पर प्रभाव नहीं पड़ता? चलिए किसी ने कहा उस पर एक्शन होगा, मगर बार बार आप मांगने का ये जो तो काम करते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप इसको भी वोट पाने का आधार बना लेते हैं।